एक बड़ी हैबिट बनानी है, मतलब 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, तो एक काम करते हैं, आज हम सोएंगे, सुबह उठेंगे और 10 घंटे पढ़ेंगे और परसों का एग्जाम क्लियर भी कर देंगे। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है। आपकी कोई भी बड़ी हैबिट पहले छोटी छोटी हैबिट से होती है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू प्रैक्टिकली वो 3 मेथड जिससे आप कोई भी एक अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हो और बना सकते हो। पहले ये जानते हैं हैबिट्स किसे कहते हैं, वो क्या होता है। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हैबिट्स वो चीज़ें होती हैं या वो एक्शंस होते हैं जो आप ऑटोमेटिकली कर लेते हो, कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, बिना किसी एफर्ट के आप सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली कर लेते हो। कई लोगों हैबिट होता है कि मॉर्निंग में 5 AM उठ ही जाना है, तो उनकी हैबिट, उनको बाय डिफॉल्ट उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी होती है, अगर अलार्म बजे या ना बजे वो 5 बजे उठ जाते हैं। दैट इज अ एग्जांपल ऑफ गुड हैबिट। अब मैं आपको 3 प्रैक्टिकल वो मेथड बताऊंगा जिससे आप कोई भी अच्छी हैबिट आप डेवलप कर सकते हो। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि बुरी हैबिट को लगना बहुत आसान होता है, इवन इट इज 3 टाइम्स फास्टर देन दी गुड हैबिट। अब जो मेथड मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको अच्छी हैबिट लग सकती है, अगर मैं उसका रिवर्स इंजीनियरिंग कर दूं, मैं उसको रिवर्स मेथड में ले जाऊं, तो आप अपनी एक बुरी हैबिट को भी हटा सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, कोई भी हैबिट अगर आपको डेवलप करनी है तो जो उसका कोर पार्ट होता है दैट इज विल पावर। सो विल पावर बहुत जरूरी है। विल पावर आपके फोकस को आपके गोल से हटने नहीं देता है। अगर मैं विल पावर का एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एग्जाम्पल लेता हूं, तो काफी फेलियर भी हुए, काफी फेलियर उनके मिशंस के, बट उनकी वो विल पावर थी जिन्होंने उन्हें बहुत सक्सेसफुल बनाया। एंड ये विल पावर ही होती है, अगर आप उसको यूज करोगे तो आप एक अच्छी हैबिट बना सकते हो। चांसेस होते हैं कई बार वो फेल भी हो जाएगी, बट आपकी विल पावर आपको दोबारा से उसी ट्रैक पे ले आएगी। सो मैं आकाश त्यागी और आप देख रहे हैं जूम बुक चैनल को, और आज शुरू करते हैं वो 3 मेथड जिससे आप अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रांग कर लोगे एंड आप डेवलप करोगे न्यू गुड हैबिट्स। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है सो देट आप ये सारे पॉइंट अच्छे समझ जाओ और इसे अप्लाई करना है। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो कमेंट में जाके मुझे बताना है, पर्सनली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं इस पे सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। जैसे मुझे एक नया घर बनाना है तो मैंने एक लिया प्लॉट, एक लिया घर, प्लॉट के ऊपर रख दिया घर और बन गया मेरा घर। क्या ऐसा होगा? क्या प्रैक्टिकल ऐसा होगा क्या? नहीं ना। कोई भी बड़ी हैबिट को बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि अपनी बड़ी हैबिट को छोटी छोटी हैबिट्स में डिवाइड करना है। आपकी वो छोटी एंड प्रैक्टिकल हैबिट आप आसानी से अचीव कर लोगे, और वो जब आप अचीव करोगे तो आप बड़ी हैबिट की तरफ चले जाओगे जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 10 घंटे पढ़ना है फॉर एनी एग्जामिनेशन, अगर मैं एकदम से सोचूंगा 10 घंटे पढ़ना है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बिकॉज वो एकदम से हैबिट बनाना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर मैं उसी 10 घंटे की हैबिट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, लाइक मैं पहले 1 घंटे पढ़ूंगा, ये मेरी एक हैबिट हो गई छोटी और वो करना आसान है, उसके साथ साथ मैं एक छोटी और हैबिट बनाऊंगा दैट मैं 20 or 30 मिनट अपनी फिटनेस या मेडिटेशन और एक्सरसाइज पे थोड़ा हेल्प करूंगा सो दैट मेरी फिटनेस बन जाए, और उसके साथ साथ मैं थोड़ा अच्छे खाने या फिर अच्छी डाइट रखने की हैबिट बनाऊंगा, तो मुझे अच्छी डाइट मेरे को हेल्प करेगा सो दैट मैं फिटनेस बना पाऊँ, और मेरी फिटनेस मुझे हेल्प करेगी टू बिल्ड माई स्टैमिना सो दैट मैं जो अभी 1 आवर पढ़ रहा हूँ और कल मैं उसे स्ट्रेच करता हूँ 2 आवर, कुछ टाइम के बाद मैं वीक्स के बाद स्ट्रेच करता हूँ 3 and then 4 and then 5, तो फाइनली मैं अपने प्राइमरी गोल जो 10 आवर की स्टडी है उसको मैं अचीव कर पाऊंगा। सो मेरा सेकेंड पॉइंट है, आई एम गोइंग टू इंक्रीज माई स्मॉल हैबिट्स इन वेरी स्मॉल स्टेप्स। मतलब अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे 1 hour से 2 hours जाना है, तो मुझे उसके साथ साथ ही पैरेलली अपनी एक्सरसाइज को 20 मिनट से 25 और 30 मिनट तक लेके जाना है, एंड अपने हेल्दी डाइट्स को ऑब्वियसली मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब बहुत ही स्मॉल स्टेप से, डिसिप्लिन वे से अब मैं धीरे धीरे इसको आगे इंक्रीज करूँगा। सो इन स्मॉल स्टेप्स जैसे से आप इंक्रीज करते जाओगे आपकी ये हैबिट परमानेंट होती जाएगी।
एंड आपकी विल पावर इसके साथ साथ ही स्ट्रांग होती जाएगी एंड फाइनली आप एक बड़ी हैबिट डेवलप कर लोगे। इसका बहुत सिंपल मतलब है, डेली और वीकली बेसिस पे मुझे कुछ थोड़ा सा पिछली हैबिट से या पिछले काम से थोड़ा सा बेटर करना है, बिकॉज 1% भी अगर मैं थोड़ा बेटर करूंगा तो मुझे रिजल्ट्स उससे अच्छे ही मिलेंगे। थर्ड पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज किसी भी वजह से ट्रप्शन आ जाए, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हम से सो नहीं पाए किसी दिन, या कोई वर्क ज़्यादा था, या कोई इंटरव्यू हो गया, या कोई एग्जाम दिया तो फेल हो गए, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कोई टेंशन की बात नहीं है, बैक टू द बेसिक दोबारा से वापस आ रहा है और जहां पर अपनी अपनी पुरानी हैबिट को छोड़ा है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मामा जी आ गए घर पे एक हफ्ते के लिए, अब क्या होगा, मामा जी को घूमने का शौक है तो तुम्हें घुमाना पड़ेगा, मामा जी को बात करने का शौक है तो तुम्हें उनकी बात सुननी पड़ेगी। एक हफ्ते के बाद क्या होगा, मामा जी चले गए घर पे और आपकी हैबिट हो गई खराब। सो टेंशन नहीं ले रहा है, गेट बैक टू योर बेसिक, तुरंत अपने ट्रैक पे वापस जाना है। अब ये 3 मेथड यूज करके आप कोई भी अपनी बड़ी हैबिट, अच्छी हैबिट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको इसके भी आगे जाना है या कोई और नई हैबिट लगानी है तो आप बिल्कुल सिंपल रहना, प्लान करना आपको कौन सी हैबिट बनानी है, देन इन मेथड को यूज करके उन्हें इम्प्लीमेंट करना एंड देन अगेन रिपीट। सो देयर आर 3 मेथड्स, प्लान, इम्प्लीमेंट, रिपीट, प्लान, इम्प्लीमेंट एंड देन रिपीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना है, 2000 लाइक का टारगेट करते हैं एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अगर इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा तो मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।